Hello, my dear students. This is Swati Chavla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science. In our previous video, we have discussed some most important and expected questions based on lines. In this video, we are going to discuss some more important questions which are related to words. Pichli video mein humne jo data file handling ka chapter hai, उसके कुछ काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस किए थे और वो सारे रिलेटेड थे लाइंस बेस्ड. बट इन दिस वीडियो हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके वर्ड्स पर बेस्ड होंगे. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ मेथड इन पाइथन टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ फाइल. कि आपको क्या करना है, एक फाइल गिवन है उसमें कितने वर्ड्स हैं वो आपको बताने हैं. ठीक है, इन वर्ड्स के बेस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज रिमाइंड करा दूं कि हमने जो रीड फंक्शन पढ़े थे प्लस एक स्प्लिट फंक्शन पढ़ा था वो आपका यूज होगा इसमें. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. बट स्टिल अब हम ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो मेरा रीड फंक्शन है वो मेरी पूरी की पूरी फाइल रीड आउट करेगा और रिटर्न किसकी फॉर्म में करेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. जैसे जब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था तो रीड लाइंस फंक्शन दैट रिटर्न्स वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. बट जो मेरा रीड फंक्शन है वो किस फॉर्म में रिटर्न करेगा मुझे, स्ट्रिंग की फॉर्म. और सेकेंड थिंग, जो मेरा स्प्लिट फंक्शन है वो क्या करेगा, जो भी मेरी स्ट्रिंग है बाय डिफॉल्ट पैरामीटर वो क्या लेता है, ब्लैंक स्पेस. तो उसको वो स्प्लिट कर देगा पूरी स्ट्रिंग को. सपोज मैंने यही एक स्ट्रिंग ली और अगर मैं इस पर स्प्लिट फंक्शन अप्लाई कर दूं तो ये जहां जहां पर स्पेस आ रहा है मींस इस वर्ड को सेपरेट कर देगा, फिर ये सेकेंड वर्ड, ये थर्ड वर्ड, और ये मुझे रिटर्न करेगा लिस्ट की फॉर्म में. ठीक है, अगर आपको और डिटेल में ये फंक्शन पढ़ना है तो दिस आई हैव कवर्ड इन माई video of string functions. You can watch that video also. So let's start now. कि अब मुझे number of words count करने. I am opening my Python IDLE now. Yes. सबसे पहले मैंने लिखा def. अब function का name आपको given नहीं है तो आप कोई भी function का name लिख सकते. तो मैंने यहाँ पर लिखा suppose count words. ठीक है, अब सबसे पहले मेरा काम क्या है, फाइल को ओपन करना. आई एम गोइंग टू ओपन द फाइल india.txt इन रीड मोड. अब मुझे फाइल से डेटा को क्या करना है, रीड करना है. ठीक है, अब उसके बाद देखो f.read फंक्शन लगाते ही मेरा सारा का सारा जो डेटा है, जो मेरा टेक्स्ट है, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में हो जाएगा. आपको एक बार शो कर देते हैं. अगर मैं लिखूं प्रिंट टेक्स्ट और मैं इस फंक्शन को कॉल करूं काउंट वर्ड्स, एक बार आपको india.txt फाइल और दिखा देते हैं उसमें क्या टेक्स्ट है. एक सिंपल पैराग्राफ लिखा हुआ बेटा. ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो इसने वो एज इट इज फाइल मुझे रिटर्न की और किसकी फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में. और अगर अब मैं यहाँ पर स्प्लिट फंक्शन लगा देती हूँ, मैंने लिखा स्प्लिट फंक्शन मेरा स्ट्रिंग पर अप्लाई होता है तो मैंने लिखा टेक्स्ट डॉट स्प्लिट और ये मुझे लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा. वहां पर मैंने एक लिस्ट का नेम क्या ले लिया, वर्ड्स. अब इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करा रही हूँ, वर्ड्स. अब देखो इसको, ये मुझे लिस्ट की फॉर्म में दे रहा है, लिस्ट में दिया और एक वर्ड को ये एक एलिमेंट कंसिडर कर रहा है. अब एक तरीके से मुझे अगर नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने हैं तो मैं लिस्ट की लेंथ काउंट कर लूंगी तो नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे. यही आपका कंसेप्ट यूज होगा. जो भी मेरे वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें ये चीज ध्यान रखना, ये कंसेप्ट आपका इतना ऑलमोस्ट सेम रहेगा हर एक में. बस डिफरेंस कहाँ रहेगा, एक चीज और लिख देते, फॉर आई इन वर्ड्स इट
इतना आपका सेम रहेगा। इसके बाद जो कंडीशन लगानी है वो आपके इसके अंदर आएगी विद इन फोर लूप, बट ऑलमोस्ट ये कंटेंट आपका क्या रहेगा सेम। देखो सबसे पहले रीड फंक्शन अप्लाई करेंगे, वो आपका किस में आ जाएगा, टेक्स्ट वेरिएबल लिया और वो सारी की सारी फाइल के कंटेंट्स को रीड करके स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करेगा। उसके बाद मैंने उस स्ट्रिंग पर स्प्लिट फंक्शन लगाया, जो मेरे जो स्ट्रिंग थी उसको स्प्लिट कर देगा वर्ड्स में, और किसकी फॉर्म में बेटा, लिस्ट की फॉर्म में। फिर मैंने लगाया फॉर आई इन वर्ड्स कि अब मैं लिस्ट के एक एक एलिमेंट को आइट्रेट करूंगी। अब मुझे क्या करना है, काउंट करनी है नंबर ऑफ वर्ड्स। जब भी मुझे कुछ भी काउंट करना हो, एक वेरिएबल लोगे, इनिशियलाइज करोगे जीरो से, और उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट। जितने टाइम्स लूप चलेगा उतने वर्ड्स होंगे। तो आई एम गोइंग टू प्रिंट हियर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल्स टू काउंट। अब नाउ लेट्स चेक कि उस फाइल में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। टोटल 201। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिस वी हैव डन। राइट अ मेथड इन पाइथन टू रीड लाइंस फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल india.txt टू फाइंड एंड डिस्प्ले द अकरेंस ऑफ वर्ड इंडिया। कि आपकी एक india.txt नेम से फाइल है, उसमें इंडिया वर्ड कितने टाइम्स आ रहा है। अब क्वेश्चन किस पर बेस्ड है बेटा, वर्ड इंडिया पर, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी बताया ये चीज सेम रहेगी, फिर भी एक बार दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले रीड फंक्शन, कोई भी एक वेरिएबल लेके उसमें असाइन कर देंगे। फिर एक मैंने सपोज वेरिएबल लिया वर्ड्स, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करने के लिए। अब मैं इस पर अपना क्या लगाऊंगी, लूप फॉर आई इन वर्ड्स। अब मुझे क्या करना है, इफ आई डबल इक्वल्स टू इंडिया, कि मेरा इंडिया कितने टाइम्स आ रहा है ये चेक करना है। टू फाइंड एंड डिस्प्ले द अकरेंस ऑफ वर्ड, कि इंडिया वर्ड कितने टाइम्स आ रहा है। तो जब भी मुझे काउंट करना हो, इनिशियलाइज करेंगे जीरो से, और यहाँ पर जब भी इंडिया आ रहा होगा उसको हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ टोटल अकरेंसेस ऑफ वर्ड इंडिया। यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया वेरिएबल काउंट। अब उस फाइल में मेरा इंडिया वर्ड, जो मेरी टेक्स्ट फाइल है india.txt, इसमें इंडिया वर्ड कितने टाइम्स आ रहा है बेटा, 14 टाइम्स, ठीक है। आपने इतनी चीज आपकी हमेशा ऑलमोस्ट सेम रहेगी, काउंट इक्वल्स टू जीरो सिर्फ तभी लिखोगे अगर मुझे कोई चीज काउंट करनी है, और जो भी आपको वर्ड से रिलेटेड कंडीशन गिवन हो वो आप विद इन फोर लूप लिखो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ मेथड बिग वर्ड्स। अ फंक्शन नेम गिवन है, तो दैट मींस यू हैव टू राइट दिस नेम ऑफ अ फंक्शन। टू रीड द कंटेंट्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्ले द अकरेंस ऑफ दोज वर्ड्स विच आर हैविंग 5 or more अल्फाबेट्स। कि आपको वो वर्ड्स काउंट करने हैं जिसमें 5 से ज्यादा क्या हो, अल्फाबेट्स। अब मुझे देखो काउंट करना है, काउंट करना है ना, डिस्प्ले द अकरेंस, तो काउंट इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, इफ लेंथ ऑफ आई, अब किस क्या काउंट करना है मुझे, विच आर हैविंग 5 or more अल्फाबेट्स, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। और फंक्शन का नेम क्या गिवन है, बिग वर्ड्स। लेट्स चेंज दिस, बिग वर्ड्स। अब यहां पर लिख देंगे हम टोटल बिग वर्ड्स ही लिख देते हैं, लेट्स सपोज जिनकी लेंथ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब इसको एग्जीक्यूट करो। अब जो भी वर्ड्स की लेंथ मेरी 5 या 5 से ग्रेटर है, वो कितने वर्ड्स हैं, और टोटल वर्ड्स 201 थे, उसमें से वो कितने हैं मेरे, 110, ठीक है। कुछ नहीं करना आपने, जस्ट क्या करना है, लेंथ फंक्शन यूज करोगे हर एक वर्ड पर, और अगर उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है 5 या 5 से अबव है, तो मुझे अपने वेरिएबल को क्या कराना है, इंक्रीमेंट।
or outside the for loop, within this function, you will display that. Now move on to the next question. Write a method is up to count in Python to read the contents from a text file to count and display the occurrence of words is, up or to. कि मुझे क्या करना है, काउंट करना है इज अप और टू कितने टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है, करें इसको. एक चीज और देखते हैं बेटा, जो मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था, अगर आपको वो वर्ड्स भी डिस्प्ले कराने हो कि वो मेरे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो 201 उसने काउंट किए हैं, कि जिसकी 5 से लेंथ ग्रेटर है, तो मैं सिंपल क्या लिख दूंगी, प्रिंट आई. तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जिसकी लेंथ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं. इज अप टू, अब फंक्शन का नेम गिवन है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इज अप टू काउंट, इसी को कॉल करेंगे. अब देखो क्या करना है, हर एक वर्ड आ गया. अब इफ आई डबल इक्वल्स टू इज और आई डबल इक्वल्स टू अप और आई डबल इक्वल्स टू टू, यही चीज काउंट करने हैं. इज अप, अब जब भी मुझे काउंट करना हो, वेरिएबल किससे इनिशियलाइज करेंगे, जीरो से, और इंक्रीमेंट कर दोगे इसको. अब टोटल अकरेंसेस लिख देते हैं, ऑफ इज अप एंड टू. लेट्स एग्जीक्यूट दिस नाउ. तो टोटल अकरेंसेस जो हैं इज अप एंड टू की, वो कितने हैं बेटा, 14. इसी के साथ पर एक वन मार्क क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आपके इस टाइप से आते हैं कि सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है, आई एम राइटिंग इट हेयर, कि राइट अ पाइथन स्टेटमेंट टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल. टेक्स्ट फाइल का नेम दे देंगे, लेट सपोज डेमो डॉट टीएक्सटी इन रीड मोड. ये आपको क्वेश्चन दे देंगे कि आपने एक पाइथन स्टेटमेंट लिखनी है कि आपने टेक्स्ट फाइल ओपन करनी है डेमो डॉट टीएक्सटी. तो आप वही सिंपल सा अपना एफ इक्वल्स टू ओपन, कौन सी फाइल ओपन करनी है, डेमो डॉट टीएक्सटी कोमा कौन से मोड में, रीड मोड. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं वन मार्क के. ठीक है, अब हमने टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चंस कर लिए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे. इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, डू लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स आल्सो, सो दैट दे आल्सो गेट बेनिफिटेड विद दिस वीडियोस और उनके कॉन्सेप्ट भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए जैसे आपके हुए. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. I will definitely try to clear your doubts. अगर आपके doubts पर मुझे एक video और भी बनानी पड़ी, आपको कोई concept clear नहीं है, तो I will definitely do that. Till then, keep watching, keep studying. Thank you.